नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पारकम की वीडियो श्रृंखला में। YouTube के शिक्षा पारकम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, GK 2020 में आज हम लोग जो है चौथे पार्ट के विषय में जो है मिलके बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। तो आइए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं जो है बातचीत। तो जो है मित्रों, पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग कुछ ये देख लेते हैं कि कहाँ से जो है इस क्रांति का नेतृत्व कौन कहाँ से किया था। तो जो है कानपुर से नेतृत्व किए थे नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और बरेली से खान बहादुर खान, और जो है फैजाबाद से अहमदुल्ला, इलाहाबाद बनारस से लियाकत अली, और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। किसका? 1857 की क्रांति का। क्लियर दोस्तों, आगे दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। इन्होंने एक संस्था भी बनाई थी, सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज और गुलामगिरी, इन दोनों के लेखक कौन है? जो है गुलामगिरी के जो है लेखक जो है ज्योतिबा फुले, और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे ये, महाराष्ट्र में इनका जो है आंदोलन चला। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। आइए तीसरे सवाल पर दोस्तों। अष्ट प्रधान का संबंध किससे है? तो अष्ट प्रधान का संबंध शिवाजी के प्रशासन से है। शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों के समूह को क्या कहते थे? अष्ट प्रधान कहते थे। इसमें सबसे प्रमुख पेशवा था। अगर पूछे कि अष्ट प्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहते थे? सुमंत। क्या कहते थे? सुमंत। तो अष्ट प्रधान में जो है अष्ट प्रधान का संबंध शिवाजी के प्रशासन से था। 8 मंत्रियों के समूह को अष्ट प्रधान कहते थे, और उसमें सबसे प्रमुख पेशवा या प्रधानमंत्री, और विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत। साथ ही शिवाजी के विषय में देख लिया जाए थोड़ा सा, शिवाजी का जन्म शिवनेरी के किले में, शिवाजी का राज्याभिषेक जो है रायगढ़ के किले में, शिवाजी का राज्याभिषेक के समय किस ब्राह्मण ने कराया था? तो बनारस के गंगा भट्ट ने। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, शिवाजी के गुरु तो राजनीतिक गुरु थे दादा कोंडदेव, और धार्मिक गुरु जो है आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। क्लियर दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया कब? तो 1564। ध्यान से सुनिए मित्रों, ध्यान से एकदम बिल्कुल, और इसको अभी इसी वक्त याद करिए। 1563 में जो है 1562 में अकबर ने दास प्रथा खत्म किया, 1563 में जो है तीर्थ यात्रा कर खत्म किया, 1564 में जो है जजिया कर खत्म किया, 1575 में इबादत खाना बनाया, और 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया। ध्यान से फिर से एक बार रिवीजन करके याद करिए मित्रों, जो है अकबर ने जजिया कर समाप्त किया, तो इसका उत्तर तो 1564 है। 1562 में जो है दास प्रथा खत्म किया, 1563 जो है तीर्थ यात्रा कर, 1564 जजिया कर, और 1500 जो है 75 में इबादत खाना की स्थापना करता, और 1582 में उसने जो है दीन इलाही धर्म चलाया। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समाहर्ता सन्निधाता अधिकारी किस प्रशासन से थे? तो मौर्य प्रशासन से। समाहर्ता जो है राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी, और सन्निधाता कोषागार का सबसे बड़ा अधिकारी। समाहर्ता राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था मौर्य प्रशासन में, और सन्निधाता जो है ये किसका था? तो जो है कोषागार का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। साथ ही हम लोग और देख लेते हैं मौर्य प्रशासन में, तो जो है अकराध्यक्ष क्या था? खानों का अध्यक्ष, जो खान होते थे उसका प्रमुख क्या कहलाता था? अकराध्यक्ष। क्लियर दोस्तों। उसके बाद सिक्कों की परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक, सिक्कों का परीक्षण करने वाला अधिकारी कौन था? रूपदर्शक। क्लियर दोस्तों। अगर पूछे कि जो है प्रियदर्शी उपाधि, तो अशोक, मौर्य शासक अशोक ने प्रियदर्शी की उपाधि, देवानाम प्रिय की उपाधि धारण किया था। कौन? अशोक।
अशोक कलिंग युद्ध कब लड़ा, जो है अपने शासन के जो है आठवें वर्ष, शासन के आठवें वर्ष। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। क्लियर दोस्तों। आगे जो है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश कब जो है पाकिस्तान से अलग होकर आजाद हुआ, सन 1971। जिस आंदोलन को बांग्लादेश की सेना ने चलाया था उसका नाम था मुक्ति वाहिनी सेना, मुक्ति वाहिनी सेना। तो बांग्लादेश की मुद्रा टका। बांग्लादेश की राजधानी जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। क्लियर। अब जो है बांग्लादेश ने आज़ाद कब हुआ, 1971 में, ठीक है। भारतीय सेना ने उनका समर्थन किया था और वो जो है पाकिस्तान से अलग हो गए थे। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा न्यू सेकल। और इजराइल में, इजराइल जो है दुनिया का एकमात्र जो है यहूदी देश है। इजराइल दुनिया का एकमात्र जो है यहूदी देश है। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम और मुद्रा न्यू सेकल। मुद्रा क्या है, न्यू सेकल, इसको जरूर याद रखिए। आगे ओपेक का मुख्यालय वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है मित्रों, वियना। ओपेक क्या है, तो पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों के समूह को ओपेक कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना में है। पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का समूह, इसका मुख्यालय वियना। ओपेक का मुख्यालय वियना। साथ ही दो चार और देख लिया जाए हम लोग। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूनिसेफ न्यूयॉर्क। यूनेस्को जो है पेरिस। विश्व खाद्य संगठन रोम। विश्व खाद्य संगठन रोम। क्लियर। WTO का जिनेवा। IMF और वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC। क्लियर दोस्तों। तो इसको भी या साथ साथ याद करिए। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है मित्रों, 22 मई को, ठीक है। 22 मई को जैव विविधता दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। मतदाता जागरूकता दिवस 25 जनवरी। क्लियर। आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस 3 फरवरी। आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 3 फरवरी। क्लियर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है, तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट कैसा चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट बेसाल्ट आग्नेय चट्टान। चूना पत्थर औषधि चट्टान। कोयला औषधि चट्टान। बालुका पत्थर औषधि चट्टान। संगमरमर कायांत्रित या रूपांतरित चट्टान। नीस कायांत्रित या रूपांतरित चट्टान। क्लियर मित्रों, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे जो है अग्निवलय क्या है, तो प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी की श्रृंखला। दुनिया के 75% ज्वालामुखी इसी अग्निवलय में पाए जाते हैं। अग्निवलय या फायर ऑफ रिंग, तो ज्वालामुखी जो है ये श्रृंखला है, जो है प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी की श्रृंखला को फायर ऑफ रिंग या अग्निवलय कहा जाता है। इसको जरूर से जरूर याद रखिए। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनालोवा। सबसे बड़ा सक्रिय अगर पूछेगा मोनालोवा, सबसे सक्रिय पूछेगा किलायू। और ये दोनों कहाँ हैं, अमेरिका या पश्चिमी द्वीप समूह। क्लियर दोस्तों। अब द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ जो है एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किताब किसकी है, तो ये अरुंधति राय की है। इनकी एक पुस्तक और याद रखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किताब किसकी है, तो अरुंधति राय की है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय। क्लियर मित्रों। आगे बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस महासागर में, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है प्रशांत महासागर में। ग से गल्फ, ग से गर्म। कैसी है, गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर में। गर्म जलधारा, गर्म जलधारा जो है कौन, गल्फ स्ट्रीम कहाँ चलती है, प्रशांत अटलांटिक महासागर में। गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर में चलती है, ठीक है। और जो है लेब्राडोर जलधारा, ये भी अटलांटिक में चलती है लेकिन ठंडी है। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर जलधारा जो है ये कहाँ चलती है, तो ये भी अटलांटिक महासागर में चलती है लेकिन ठंडी जलधारा है। कैसी धारा है, ठंडी जलधारा है। केनारी धारा कहाँ चलती है, अटलांटिक महासागर में चलती है। कैसी, ठंडी धारा है। कैसी धारा है, ठंडी।
ओवासियो और क्यूरोसियो। ओवासियो क्यूरो जल क्यूरोसियो जलधारा कहाँ चलती है? तो प्रशांत महासागर में चलती है। क्लियर मित्रों? तो गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर कहाँ चलती है? जो है अटलांटिक महासागर में चलती है। क्लियर मित्रों? आगे आइए, अनुच्छेद जो है 359 जो है क्या है? तो देखिए मित्रों, जो है अनुच्छेद 359 जो है ये कहता है कि आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। ध्यान से समझिए इसको, जब जो है आपातकाल देश में लागू होता है, राष्ट्रीय आपात लागू होता है, तो अनुच्छेद 359 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत, 359 के तहत जो है संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार में जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़ करके सारे मूल अधिकार कुछ समय के लिए निलंबित हो जाते हैं। यानी वो जो है आपातकाल जब तक लागू रहेगा वो जो है प्रवर्तित नहीं रहेंगे। फिर से सुनिए मित्रों, जो है अनुच्छेद 359 के तहत जो है जब राष्ट्रीय आपात देश में लागू हो तो जो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है, उन मूल अधिकारों में जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मूल अधिकार केवल बने रहेंगे, बाकी सारे मूल अधिकार कुछ समय के लिए निलंबित हो जाते हैं। यानी आप ये भी याद रखिए कि अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो तो सारे मूल अधिकारों में किस अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद लागू रहता है, निलंबित नहीं रहता? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। क्लियर मित्रों? आगे जो है PIL का पूरा नाम पहले याद रखिए, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका हिंदी है जनहित याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका हिंदी है जनहित याचिका। और इसकी शुरुआत भारत में किसको माना जाता है, शुरुआत शुरू करने का श्रेय PN भगवती, न्यायाधीश PN भगवती को। तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका भारत में शुरू करने का श्रेय जो है जस्टिस PN भगवती को जाता है। क्लियर मित्रों? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, यह झारखंड में है। साथ ही दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट लगे थे। कितने? 3 स्टील प्लांट लगे थे। जो है पहला भिलाई रूस की सहायता से, दूसरा दुर्गापुर जो है दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की सहायता से, और तीसरा राउरकेला जर्मनी की सहायता से। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे थे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये 3 स्टील प्लांट लगे थे। भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की सहायता से, और राउरकेला जर्मनी की सहायता से लगे थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट लगा, और ये कहाँ है? झारखंड में है। क्लियर? आगे स्टेगफ्लेशन। स्टेगफ्लेशन मित्रों याद रखिए, जब अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा स्फीति के साथ मंदी भी हो, ध्यान से समझिए, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के साथ मंदी भी हो तब उसे कहा जाता है स्टेगफ्लेशन, तब उसे कहा जाता है स्टेगफ्लेशन। एकदम याद कर लीजिए, स्टेगफ्लेशन का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में मंदी भी हो और जो है मुद्रा स्फीति भी हो, मुद्रा स्फीति भी हो और मंदी भी हो, उसे क्या कहते हैं? स्टेगफ्लेशन। क्लियर? IFSC जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं IFSC कोड, तो इसका जो है याद रखिए क्या इसका पूरा नाम होता है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आगे 19वां सवाल हम लोग पढ़ते हैं मित्रों, जो है ईमेल के जनक कौन है? टॉमलिंसन। ईमेल के जनक टॉमलिंसन, ईमेल के जनक टॉमलिंसन। और आगे प्रभा मंडल का निर्माण किस प्रकार के बादलों में होता है? तो प्रभा मंडल का निर्माण पक्षावस्तरी मेघों में होता है। प्रभा मंडल का निर्माण किस प्रकार के बादलों में? पक्षावस्तरी मेघों में होता है। क्लियर मित्रों? तो मैं उम्मीद करता हूं मित्रों आपको ये जो चीजें याद हो गई होंगी, पसंद आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो है मित्रों आपसे एक निवेदन है कि जो है अगर आपको लगता है मित्रों तो इस चैनल को जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने में आप अपना अमूल्य जो है सहयोग दीजिए मित्रों, यही मेरी जो है आपसे उम्मीद है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।